हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो रहेगा ये फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट है, गैस है, इसे कैसे रिकवर करना है। और हम टूल की मदद से इसे रिकवर करेंगे इसमें गैस, और फिर वही गैस हम फ्रिज में डालेंगे। एक्चुअली मेरे पास एलजी का 230 लीटर्स का फ्रिज है और इसमें एक्चुअली ये ख़राब हो चुका है कंप्रेसर, तो हम ये कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे और जो इसमें ऑलरेडी से भरा हुआ जो गैस है हम उसे फिर से रिफिल करेंगे। तो ये टूल है मेरे पास, तो ये टूल के बारे में जानते हैं कैसा काम, जानेंगे कैसा काम करता है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ये लॉक होता है, ये लीवर है, इसे खुलता है और इसमें एक वाल लगा हुआ है, कैप भी दिया है, डमी कैप। चार्जिंग निप्पल में ऐसा वाल होता है, उसी तरह का है। इसमें एडजस्टेबल भी है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, जिस तरह का अगर पाइप है आपका। और ये देखते हैं इसमें क्या है, इसमें एक रबर लगा हुआ है जिससे कि गैस लीक ना हो, टाइट सील हो जाए छेद होने के बाद। ये देखिए क्रॉस में वह है इसका पिन, जो पाइप में आराम से अंदर चले जाता है प्रेस होने से, और इसमें छेद भी है और ये इस पर अटैच है ये चार वाल पर। चलिए इस पर उसको लगाते हैं। चलिए आपको बताते हैं करके, इसको टाइट लगाते हैं। मेरे पास एक 1/4 इंच का पाइप है जो हर कंप्रेसिबल लगता है चार्जिंग के लिए, गैस के लिए। इसको ऐसे रखना है और सिर्फ आपको दबाना है, लॉक हो गया है। ये देखिए अंदर आ गया है इसका जो है अंदर का शार्प, और यहाँ से गैस होते हुए यहाँ पे यहाँ तक आएगी। फिर आपको इस तरह का एक चार्जिंग लाइन चाहिए जिसमें ऐसा वाला हो, दबाने वाला ये पिन आपको ऐसा लगाना है और आपकी गैस निकलना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से छेद हुआ है इसमें। इसे निकालने के लिए आपको फिर प्रेस करना पड़ेगा, निकल गया है। ये देखिए, अगर आपको ये टूल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी गैस रिकवरी करते हैं, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। और आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गैस रिकवरी करना। हमें इसके लिए एक एम्प्टी सिलेंडर चाहिए और एक छोटा कंप्रेसर, और ये मैंने वैक्यूम किया है, हो रहा है अभी वैक्यूम। इससे पहले आपको फुली वैक्यूम करना पड़ेगा इस सिलेंडर को, और जैसे देख सकते हैं वैक्यूम हो चुका है। टूल है रिकवरी टूल, इसे हम पहले ये चार्जिंग लाइन रहेगा इस पर इसे पंच करना पड़ेगा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है किस तरह से काम कर रहा है। तो ये चार्जिंग लाइन पे ये हमें दबाएंगे, ये देखिए लॉक हो गया है। अब जो ऊपर है हम यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एक पाइप लगाया है चार्जिंग, अभी इसमें चार्जिंग लाइन लगाया, ये इस पर मैं लगाऊंगा, और ये कंप्रेसर के सेक्शन में लगाया मैंने, और डिस्चार्ज का जो लाइन जा रहा है वो सिलेंडर में जा रहा है, वो वाल्व खुला हुआ है। तो इसे पहले लगाएंगे, ठीक है। गैस थोड़ा इसे यहाँ से थोड़ा इसका हवा निकालेंगे, ठीक है। अब हम कंप्रेसर शुरू करेंगे, कंप्रेसर शुरू करें, अगर कंप्रेसर शुरू हो गया अब इसमें से पूरा गैस खींच रहा है, ये देख सकते हैं इसमें गैस स्टोर हो रहा है। इसे हमें थोड़ी देर तक चलाना है, इसमें जो भी गैस है पूरी निकाल देनी है। इसमें प्रेशर कम से कम 50 से 60 के बीच में रखेंगे। अब ये पूरा यहाँ से सक्शन होते हुए कंप्रेसर सक कर रहा है इसमें से गैस, और डिस्चार्ज से होते हुए ये सिलेंडर में स्टोर हो रहा है।
इसे 3 या 4 मिनट चलाना है। दे सकते हैं, ये गैस पूरी आ चुकी है, रिकवरी हो चुकी है हमारे इस सिलेंडर में। अब हम इसे बंद कर देते हैं, कंप्रेसर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ छोड़ देते हैं। इसे हमने बंद कर दिया, ये निकाल देंगे। बहुत सिंपल है कैसे करना है। अगर ये टूल आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुका है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है गैस सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें मैं नया कंप्रेसर डालूंगा और जो हमने स्टोर किया था गैस, ये उसी को मैं फिर यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, आपका पैसे का बचत भी होगा और बहुत कुछ होगा, इन्वायरमेंट को भी सही रहेगा। तो चलिए मैं कंप्रेसर बदल के फिर आपको बताता हूँ, ये गैस फिर रिवर्स डालता हूँ उसमें। बंद कर, जैसे कि देख सकते हैं हमने नया कंप्रेसर लगा दिया है, ब्रीजिंग कर दिया है, नया फिल्टर भी लगा दिया है, सब कुछ रेडी है। अब हमें जो हमने रिकवरी किया था गैस, अब यही गैस फिल करेंगे। इसमें भी हमने लगा दिया है, वैक्यूम भी सब कुछ हो चुका है। अब हम यही गैस इसमें फिल करेंगे। पूरा डालेंगे जितना भी रिकवरी हुआ था, फ्रिज ऑन करेंगे। ऑन हो गया फ्रिज, बैक प्रेशर देख सकते हैं, 5 के करीब है। एक बार डिस्चार्ज पकड़ते हैं, गर्म हो रहा है। ठीक है, इसे हम रनिंग करेंगे आधा घंटा, फिर आपको बताते हैं इसका कूलिंग कैसा आ रहा है। अब देख सकते हैं जैसा इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमने गैस जो रिकवरी गैस इसमें डाला था। अब हम आपको टेम्परेचर बताते हैं। इसको मैंने अंदर लगाया है डीप फ्रीजर में, इसका जो सेंसर है ये सब 0 है, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर। अब देख सकते हैं -7 आ गए हैं, नीचे नीचे जा रहा है। अंदर देखते हैं, गिर गया, काफी अच्छी कूलिंग है और प्रेशर 5 के करीब है। तो फ्रेंड्स, देखा होगा हमने किस तरह से वो टूल्स, हमारे रिकवरी टूल से गैस रिकवर किया था, फिर वही गैस यूज़ की थी, हमने नया कंप्रेसर बदला है। और वैसे आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, विद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।